नमस्कार दोस्तों, मैं मौजूद हूं ऐतिहासिक बाबा सारंग देव करेड़े वाले पवित्र धाम में। जी हां दोस्तों, गुलिया खाप के लोगों की आस्था से जुड़ा यह पवित्र स्थल, जो आसपास के क्षेत्र के लोगों की श्रद्धा का केंद्र माना जाता है, और प्रतिवर्ष यहां पर बाबा सारंग देव समिति द्वारा और समाज गुलिया खाप 84 के द्वारा यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। कोरोना काल को लेकर, कोविड-19 को लेकर इस बार सीमित संख्या में और कोविड को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आज बाबा सारंग देव करेड़े वाले मंदिर पर प्रातः हवन किया गया है। क्षेत्र की सुख शांति समृद्धि की मंगल कामनाएं की गई है और बाबा के लिए प्रसाद भी यहाँ पर बनाया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गुलिया खाप जो 84 गांव के रूप में फैली हुई है, 84 की मान्यता है, उसका उद्गम स्थल दादा करेड़े वाले को माना जाता है। कहा जाता है कि हमारे पूर्वज यहां आए थे और यहां से गुलिया खाप के लोगों ने यहां पर बसासत की और धीरे धीरे गुलिया खाप के लोगों का यहां पर विस्तार होता गया। आज 84 गुलिया के नाम से गुलिया को जाना जाता है और तमाम लोगों की आस्था का केंद्र बना यह बाबा सारंग देव करेड़े वाला पवित्र स्थल, जिसकी भव्यता जो यहाँ पर्यावरण बादली गांव जो आज वर्तमान में बसासत है उसे लगभग 4 किलोमीटर दूर इस्माइलपुर रोड पर यह स्थित है बाबा का ऐतिहासिक धाम। और आज यहां जेठ माह में पवित्र बाबा के इस स्थल पर धार्मिक आयोजन किया गया है। तो दोस्तों, किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए उसके इष्ट देवता, कुल देवता और हमारी पुरानी परंपराएं बड़ी मान्यता रखती है, हमारी बड़ी उसमें आस्था होती है, श्रद्धा होती है, भावना होती है। और इसी श्रद्धा और भावना का प्रतीक यह दादा करेड़े वाला बाबा सारंग देव धाम। जी हाँ, और यहाँ पर लोग पहुँचते हैं जो यहाँ पर अपनी पूजा पाठ श्रद्धा अनुसार यहाँ पर बाबा के दर्शन करते हैं, बाबा के चरणों में माथा टेकते हैं। हमारे साथ नरेश ठेकेदार हैं जो लगातार इस समिति से भी जुड़े रहे हैं। बाबा सारंग देव की जय हो। तो आज का भंडारा सही चल रहा है? हाँ, सही चल रहा है अभी, और ये थोड़ा लॉकडाउन के कारण थोड़ा पब्लिक सीमित किया गया है। चलिए चलिए आपको लिए चलते हैं यहाँ पर जो धार्मिक लोग हैं, जो संत महात्मा हैं और जो क्षेत्र के गणमान्य लोग हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं ऐतिहासिक बाबा सारंग देव मंदिर करेड़ा धाम में। जी हाँ, लाखों लोगों की आस्था का केंद्र यह बाबा सारंग देव करेड़ा धाम है, जहाँ से गुलिया का, मैं कहूंगा कि उद्गम यहाँ से हुआ है। और गुलिया का जो आज विशाल परिवार है वो यहाँ करेड़े वाले से शुरुआत हुई है और आज लगभग 84 जो गुड़िया खाप का महत्व बोला जाता है वो इसी करेड़े वाले बाबा सारंग देव से यह महिमा शुरू हुई है। और आज हम यहाँ पर बाबा जी के चरणों में पहुंचे हैं, इनसे भी हम आशीर्वाद लेंगे, इनसे भी हम बातचीत करेंगे, जो यहाँ इस पवित्र धाम में लगातार यहाँ पर धुना चल रहा है और भक्ति भाव पूजा यहाँ पर की जाती है। आशीर्वाद। तो आज भंडारा है, तो क्या संदेश दोगे लोगों को, क्या आशीर्वाद दोगे, क्या कहोगे? सुख शांति, सुख शांति के लिए जी, पूछ में बरकत रहे, बरकत रहे, लोग फले फूले, हाँ फले फूले जी। हम तो यही कहेंगे दूध पूछ में बरकत रख बाबा, और बस्ती माता की रक्षा करो, दूध पूछ की रक्षा करो, बस्ती माता की रक्षा करो, गुलिया खाप की रक्षा करो। जी हाँ, हमारे जो संत महात्मा है, ऋषि मुनि है और जो श्रद्धालु है, भगतगण है, वो तमाम आप देख सकते हैं कैमरे की नजर में, क्षेत्र के गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद है। बादली गांव के पूर्व सरपंच उमेंद्र सिंह गुड़िया और तमाम जो संत महात्मा हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आइए बाबा सारंग देव की महिमा भी जान लेते हैं। प्रधान जी उमेंद्र सिंह गुड़िया हमारे बीच में हैं, उनसे भी बात करेंगे, जो गांव के सरपंच रहे हैं उमेंद्र सिंह जी। जुड़ना चाहेंगे, चौधरी उमेंद्र सिंह गुड़िया है, बादली गाँव के पूर्व सरपंच रहे हैं। बाबा सारंग देव बड़ी आस्था है लोगों की, और आसपास जितने हमारे गुड़िया भाई हैं, परिवार है, 36 बिरादरी है, वो यहाँ पहुँचती है, बाबा के चरणों में माथा टेकते हैं। तो आज के बारे में क्या कहोगे? आज के बारे में ये कहा जी, अपना जो भंडारा है हमारा गुड़िया खाप जी, देवता है इसको, जो दिन बना जाता है वो दिन मनाते हैं उसको, सभी आदमी अपने देवता को मनाते हैं। जैसे अपने माँ बाप को हम घर से बच्चे भी मनाएंगे, ऐसे ये भी देवता है। आपका क्या नाम है बाबा? विजय नाम है। तो कौन सा गांव है आपका? मुंडेड़ा। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। तो प्रधान जी, आसपास इस बार कोविड को देख के कम लोग आए हैं, इस कोरोना काल के, कोरोना काल के मारे। अच्छा, कम आए हैं तो झंडोरा भी नहीं बटवाया भाई। हाँ 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 हाँ।
जी जी। और चलिए कुछ युवा साथियों से भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे इस बाबा के धाम को लेकर के। हाँ जी जगवीर सिंह, नमस्कार जी। तो क्या कहोगे आज के इस आयोजन को, बाबा का जो प्रसाद आपने तैयार किया है भंडारे के बारे में, और आज की ये अपने साधु महाराज से बात हुई थी जी, यहाँ इन्होंने जो बोली तो बाबा सारण देव की, हमारे दादा सारण देव की जी, ये गुड़िया धाम का मंदिर है, इसकी देन है दादा सारण देव के, हम इसकी औलाद हैं। तो ये साधु जी यहाँ जोतबत्ती करते हैं, ये उनके गुरु हैं, वो यहाँ परमानेंट रहते हैं, इनका स्थान दूसरी जगह है जी। तो ये तो आज आपने ये जो जोत जल रही है अंदर 41 दिन की, ये किस लिए आपने, क्या सोची, क्या महाराज जी ने गुरु की शांति के लिए किसान जुड़े हुए हैं इस मंदिर से, किसान जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये जागर किए जी। अब उसमें हर कौम है जी, ये हमारा 24 का धाम, 24 का धाम है, यहाँ हर गरीब पुराने इसकी देन है जी, हम जी इसके जी बच्चे। चलिए महाराज जी से भी बात करेंगे, महाराज जी से भी चर्चा करेंगे इस धाम को लेकर के। और सत्साई महाराज, तो आज यहाँ पर आप सेवा करते हैं, मतलब पूजा पाठ भक्ति यहाँ पर करते हैं, 24 का धाम है जी, इस धाम का धाम है, दादा सारंग जी का नाम है, और ये सभी की शांति के लिए जी ये अखंड जोत लाई गई थी जी, नगरी में शांति बनी रहे। बहुत बढ़िया। कोरोना काल में ऐसा काम हो चुका था कि पांच सात देवी जा रही थी, बिल्कुल अखंड जोत लाई गई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब तो कोरोना की लहर भी जा चुकी है, तो आपके इस पूजा पाठ का भक्ति का भी असर देखने को मिला है, दादा सारंगदेव की कृपा है जी। कुछ और युवा साथियों से जुड़ेंगे, दादा सारंगदेव के मंदिर में यहाँ 41 दिन की अखंड जोत जलाई गई थी, और लोगों की सुख शांति, सुरेंद्र प्रधान भी हमारे साथ हैं, सुरेंद्र क्या कहोगे जी, शांति के लिए जोत अखंड जोत लगाई गई है, और किसानों की समर्थन करने के लिए सब किसान भाइयों ने जी ये समर्थन दिया है, और भाई शांति बने रहे अखंड जोत को आगे तक बताएंगे, जब तक हमारे चलेगी, किसान भाइयों का सारा आशीर्वाद मिला रहेगा, तो भाइयों के अंदर रहेंगे और ये चलते ही रहेंगे जी। हाँ, आपने देखा कि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं ये भक्ति भाव से यहाँ पर विराजमान हैं, और क्षेत्र की सुख शांति के लिए तमाम लोग हैं यहाँ पर, कड़ा पहलवान है, भाई राज सिंह है, तमाम जितने भक्त जन हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, और बाबा के यहाँ चरणों में आशीर्वाद लेते हैं क्षेत्र की सुख शांति मंगल कामना के लिए। यहाँ पर भंडारा भी, प्रसाद भी चला हुआ है, और जो महिलाएं हमारी माता बहने यहाँ पहुंच रही हैं प्रसाद के लिए, उनके लिए यहाँ पर स्वयंसेवी जो लोग हैं वो सेवा कर रहे हैं, खुद अपने हाथों से यहाँ पर प्रसाद जो है, भोजन वो तैयार किया जा रहा है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। यहाँ पर प्रसाद के रूप में भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है, बड़ा ही रमणीय स्थल है, प्रकृति की गोद में है, यहाँ पर चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, और यहाँ आकर के आदमी के मन को शांति भी मिलती है, मानसिक सुख भी मिलता है। बाबा के चरणों में जो लोग अपनी मांग लेकर के, अपनी अरदास लेकर के आते हैं, बाबा सारंगदेव उनकी मांगों को, उनकी भावनाओं को पूर्ण भी करता है। आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर पूरा माहौल है, और यहाँ पर धीरे धीरे कुछ लोग संख्या में यहाँ पहुँचते हैं, ताकि जो COVID-19 है उसके नियमों का पालन भी किया जाए, और जो तमाम हिदायतें हैं सरकार के द्वारा कि भाई ज़्यादा लोग एकत्रित ना हों, इसके लिए थोड़ी थोड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं बाबा सारंगदेव में, और प्रसाद भी यहाँ वितरित किया जा रहा है। और सबसे पहले यहाँ पहुँचने वाले लोग बाबा के चरणों में पहुँचते हैं, वहाँ जोत लगाई जाती है, जो माताएँ बहनें हैं वो यहाँ पर जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पक्षियों के लिए, जो पशु पक्षी हैं उनके लिए यहाँ पर गेहूं के दाने, बाजरा यहाँ पर डाला जाता है, ताकि यहाँ रहने वाले प्रत्येक प्राणी और पशु पक्षी उनका भी यहाँ पर भरण पोषण किया जा सके। और यह जो ऐतिहासिक स्थल है जी, ये पुरानी मान्यताएं हैं जो हमारे पूर्वज हुए हैं, जो गुड़िया खाप का इतिहास रहा है, और जो हमारे पूर्वज हैं ये उनकी मान्यता है यहाँ पर, कि हमारे पूर्वज यहाँ पर आए थे और यहाँ से जो है वो बसासत शुरू हुई थी गुड़िया की, और धीरे धीरे यह जो गुड़िया का कारवा है ये बढ़ता चला गया, और आज गुड़िया को 24 सा, 30 सा और 84 के नाम से गुड़िया को जाना जाता है। कुछ बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे गुड़िया के बारे में। बाबा सारंगदेव के बारे में क्या कहोगे? बुजुर्ग मानता है भाई, एक जी, तो हमारे जो गुड़िया, हमारे पूर्वज थे, वो शुरुआत यहाँ से की थी उन्होंने, दादा करेड़े वाला ऐसा बताते हैं कि कहने में तो ऐसा ही होता है। जी 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 जी। तो आपने देखा यहाँ कुछ युवा साथी भी हैं जो यहाँ बैठे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे युवा साथियों से। तो भाई रमेश भी हमारे साथ है, इनसे भी बात करेंगे। रमेश क्या कहोगे, आज दादा सारंगदेव का भंडारा है? बहुत बढ़िया अच्छा साथी है, बहुत बढ़िया।
जी, तो आपने देखा कि यहाँ पर लोगों की आस्था का केंद्र बना यह है बाबा सारंगदेव मंदिर का ऐतिहासिक धाम, जिसको करड़े वाले के नाम से भी पुकारा जाता है। और यहाँ पर न केवल गुलिया क्षेत्र अपितु आसपास के जितने भाईचारा है यहाँ पर, वो दूर दराज के गांवों के लोग भी यहाँ पहुँचते हैं। और आज के दिन मंदिर में विशेष पूजा की जाती है, जोत लगाई जाती है, या पशु पक्षियों के लिए यहाँ जो हमारी माताएं बहने हैं वो दाना डालती हैं, गेहूँ बाजरा, ताकि पशु पक्षियों का भी जेठ के महीने में उनको यहाँ पानी की व्यवस्था मिले, उनको चुगने के लिए दाना मिले, और जो जीव जंतु हैं आसपास उनका भी भरण पोषण हो, ऐसी कामना ऐसी भावना के साथ यहाँ पर भंडारा किया जाता है कि अन्न के भंडार भरे रहें, भाई हमारे खेड़े में सुख शांति रहे, लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहें और प्यार और प्रेम की भावना बढ़ती रहे, ऐसी कामना यहाँ की जाती है। एक बार मैं चाहूंगा दिखा सकते हैं आप जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, इनकी आस्था है जो बाबा सारंगदेव के धाम में यहाँ चरणों में माथा टेकेंगे, यथासंभव अपना दान भी देते हैं लोग, और तमाम जो हमारी माताएं बहने हैं वो भी यहाँ पहुँचती हैं और यहाँ अपनी पर्ची भी कटाते हैं लोग, बाबा के चरणों में अपनी श्रद्धानुसार चंदा दान देते हैं। और हमने पूर्व सरपंच से बात की, गांव के कुछ गणमान्य बुजुर्ग और कुछ युवा साथी भी थे जिनसे हमने इस महत्व के बारे में जाना, तो एक बार मैं चाहूंगा कि सारे हम दादा सारंगदेव की जय बोलेंगे। दादा सारंगदेव की, दादा सारंगदेव की, दादा सारंगदेव महाराज की, खोप की।